ब्रेस्ट पेन, क्या होता है ब्रेस्ट पेन, क्या इसके कॉमन कारण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट रहता है, इसी सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट। ब्रेस्ट पेन को हम हमारी भाषा में नॉस्टैल्जिया भी कहते हैं। ब्रेस्ट पेन यानी स्तन में दुखाव एक बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं में होने वाली। यह एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है और दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है। ब्रेस्ट पेन यूजुअली नॉन कैंसरस होता है, यानी कि कोई कैंसर होने की संभावना ब्रेस्ट पेन के अंदर यूजुअली कम होती है, अंटिल अनलेस यह किसी गांठ के साथ एसोसिएटेड ना हो। तो कॉमन क्या कारण होते हैं, किन कारणों से महिलाओं में ब्रेस्ट पेन होता है? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण। महिलाओं में बहुत ही कॉमन होता है, कई महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स आने के जस्ट पहले ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट भारी लगने लग जाते हैं, कुछ टच भी हो जाए तो भी दर्द होता है। तो ये यूजुअली हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं पाई जाती है, सिर्फ महिला की कंप्लेन होती है कि ब्रेस्ट में पेन है, दर्द है, हाथ भी लगाओ टच भी करो तो भी दर्द होता है। तो ये यूजुअली पीरियड से जस्ट पहले जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एक प्रोजेस्टेरॉन करके हार्मोन होता है महिलाओं में, उसका लेवल जो होता है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण कि यह दर्द होता है। इस दर्द के लिए बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, एक साइक्लिकल प्रकार का पेन होता है, यानी कि हर महीने आता है, पीरियड से दो तीन दिन पहले शुरू होता है और जब पीरियड्स आते हैं तो उसी के साथ में ये चला जाता है, कभी कभी दो चार दिन रह सकता है। अगर हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप सिंपल सा नॉर्मल आइस पैक अप्लाई कर सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी, रेगुलर डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम रखेंगी, सोडियम का इंटेक कम रखेंगी, कैल्शियम अधिक मात्रा में लेंगी, तो यह जो पेन है इसके होने की जो संभावना है वह स्वतः ही कम हो जाएगी। अगर इन सभी चीज़ों से भी आपका ब्रेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकती हैं, उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहता है, आपकी सोनोग्राफी कराई जाती है। अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है तो मैमोग्राफी भी एडवाइस की जा सकती है, पर यूजुअली सोनोग्राफी सफिशियंट होती है, यूजुअली क्योंकि ये पाया भी ज़्यादा 20-30s की एज में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, जिस टाइम पर हम मैमोग्राफी बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं अंटिल अनलेस हमें स्ट्रॉन्गली कैंसर का डाउट हो। तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं और आपको कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं इसके लिए। कभी कभी हम लोग विटामिन ई और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल के सप्लीमेंट्स देते हैं। जब इन सभी चीज़ों से भी यह दर्द नहीं ठीक होता तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कभी कभी इसके लिए दी जाती हैं। तो यह तो वह हार्मोनल चीज जिसके कारण पेन। दूसरी कॉमन चीज़ जिसके कारण ब्रेस्ट में पेन होता है वह होता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज जो होती है ब्रेस्ट की, इसमें ब्रेस्ट टिश्यू में छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है। यह यूजुअली ब्रेस्ट के अपर और आउटर क्वाड्रेंट में, यानी कि ऊपर और बाहर की तरफ कॉमनली पाया जाता है। इसमें महिला को दर्द रहता है, परंतु दर्द जो होता है वह यूजुअली पूरे महीने भर रहता है। हाँ, पीरियड के आसपास यह दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, पर रहता पूरे महीने भर है। तो यानी कि एक साइक्लिकल पेन नहीं होता, एक कंटिन्यूस टाइप का दर्द होता है। इस दर्द में भी चिंता की बात नहीं होती, इसमें कोई गांठें नहीं होती, सिस्टी होती है। जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें हमें सिस्ट नज़र आती है। ये जो सिस्ट होती है वो पीरियड के दौरान थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसी के कारण पीरियड के आसपास इनमें जो होने वाला जो दर्द होता है वह भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसके ट्रीटमेंट में भी के लिए भी आप डेफिनेटली आइस पैक अप्लाई कर सकती हैं। अगर उसे रिलीफ नहीं आ रहा है तो डॉक्टर आपको पेन किलर देते हैं, और अगर वह भी रिस्पॉन्ड नहीं करे तो हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है। अब आते हैं अगला कॉमन कारण जब जिसके कारण की ब्रेस्ट पेन होता है, वह है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाने के कारण शुरुआती दो तीन महीनों में कई प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्रेस्ट में पेन होता है। इस तरह के पेन के लिए हम लोग किसी प्रकार की दवाई देना बहुत प्रेफर नहीं करते, ये कम्प्लीटली एक नॉर्मल प्रकार का पेन होता है। इस प्रकार के पेन के साथ में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं पाई जाती है, इसके लिए सिंपल आइस पैक के अलावा हम और कुछ बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं, और इस पेन की चिंता की भी जरूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में, यानी कि स्तनपान के समय पे भी बहुत कॉमनली ब्रेस्ट में पेन की शिकायत महिलाएं करती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो दूध पिलाने के समय जो ब्रेस्ट पेन होता है उसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण तो ये होता है इम्प्रॉपर लैचमेंट, यानी कि बच्चा प्रॉपरली दूध नहीं पी रहा है, यानी कि बच्चा अच्छे से दूध को नहीं ले रहा है, उसका निप्पल से जो अटैचमेंट है वह प्रॉपर नहीं है।
जिसके कारण करके भी निपल पे कट्स पड़ जाते हैं, स्क्रैच निपल्स हो जाते हैं और पेन चालू हो जाता है। तो उसके लिए आपको बच्चे को प्रॉपर ढंग से दूध पिलाने की टेक्निक समझनी रहेगी, जिसके लिए निपल और उसके साइड का जो ब्लैक कलर का एरियोला होता है वह पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, नहीं तो बच्चा खाली निपल को चूसता है जिसके कारण कि ब्रेस्ट में पेन होता है, निपल्स क्रैक हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जो नवजात शिशु है वह प्रॉपरली दूध पिए, प्रॉपर उसका अटैचमेंट हो ब्रेस्ट के साथ में, ताकि इस प्रकार का पेन थोड़ा कम हो। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अन्य जो कॉमन कारण होता है वह होता है एंगॉर्जमेंट, यानी ब्रेस्ट भारी हो जाते हैं, यानी उनमें दूध इकट्ठा हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, बच्चा लंबे समय तक सोता रहता है, या फिर कभी कभी बच्चा दूध पूरा नहीं पीता, थोड़ा पी के रुक जाता है, या फिर कभी कभी मिल्क फॉर्मेशन ही अधिक होता है जिसके कारण कि ब्रेस्ट हैवी रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि बच्चे ने जितना दूध पिया बहुत अच्छी बात है, बच्चा पूरा पी पाए सबसे अच्छी बात है, नहीं पी पाए तो आपको स्वतः ही खुद से ही अपने हाथ से या फिर ब्रेस्ट पंप की सहायता से जो बचा हुआ मिल्क है उसे निकाल देना है। अगर वो आप निकाल देंगे, हॉट फर्मेंटेशन भी आप कर सकते हैं, गर्म सेक कर सकती हैं, आइस पैक भी लगा सकती हैं, तो जो ब्रेस्ट पेन है वह कम हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट बहुत ना हो, नहीं तो यह एक और कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि मेस्टाइटिस हो सकता है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। तो कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है जिसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं, और वह इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो वह एब्सेस का रूप भी ले सकता है, जिसमें कि फिर हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है और कभी कभी सर्जरी की नौबत भी आ जाती है अगर पस का फॉर्मेशन हो जाए। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो ये है कि एक तो बच्चा प्रॉपरली इलाज करे, प्रॉपरली ढंग से दूध को ले, और दूसरा जब बच्चे ने दूध पी लिया है उसके बाद ब्रेस्ट भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ब्रेस्ट खाली हो जाना चाहिए बच्चे के दूध पीने के बाद। अब आते हैं अगले कारण की तरफ। कभी कभी ट्रॉमा के कारण, यानी कि कोई चीज़ लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कहीं आप टकरा जाए, किसी का हाथ पैर लग जाए, तो उसके कारण भी कभी कभी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। उसके लिए आइस पैक अप्लाई कर सकती हैं और पेन किलर्स ले सकती हैं। कभी कभी महिला को लगता है कि ये ब्रेस्ट पेन है किंतु वो कोई मस्कुलर पेन होता है, इनकी अंदर के मसल्स जो हैं वो खिंचा गए हैं, कोई भारी वजन उठाने में आ गया है, या आप कुछ अलग सी पोजीशन में सो गई हैं जिसके कारण भी पेन डेवलप हो जाता है। इस तरह का पेन यूजुअली जब हम लोग मसल रिलैक्सेंस देते हैं तो वह आराम से चला जाता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता और किसी भी गांठ के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। कभी कभी ये कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण हो जाता है, जैसे कि बहुत बार हम प्रेगनेंसी होने के लिए, फर्टिलिटी के लिए अंडा बनने की दवाइयाँ देते हैं, उससे भी हार्मोनल ट्रीटमेंट से भी ब्रेस्ट पेन हो जाता है। कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से भी हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसके ट्रीटमेंट में भी दी जाती है, और कभी कभी कई कई महिलाओं को खुद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण भी यह पेन हो जाता है। कभी कभी मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है जिसे हम HRT कहते हैं, उसके कारण भी ब्रेस्ट में पेन होता है। कभी कभी कोई कई कई लेडीज एंटी डिप्रेसेंट्स पे होती हैं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी ब्रेस्ट में पेन दे सकते हैं। तो ये तो हुई कॉमन कारण जिसके कारण भी ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। तो जो यूजुअली जो हमने निष्कर्ष ये है कि जो यूजुअली ब्रेस्ट पेन होता है वह यूजुअली कैंसर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन हाँ अगर ब्रेस्ट पेन है और साथ में गिठान भी है तब डेफिनेटली हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर गांठ है तो यूजुअली आपके डॉक्टर मैमोग्राफी की एडवाइस देते हैं। अदरवाइज गांठ नहीं है, सिंपल हार्मोनल साइक्लिकल पेन है, तो आप आइस पैक अप्लाई कर सकती हैं, पेन किलर्स लिए जा सकते हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इन जनरल जो आपको करना चाहिए ताकि ब्रेस्ट पेन का जो इंसिडेंस है वह कम रहे, वह यह है कि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम की साइड में रखना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हार्मोन्स बैलेंस में रहेंगे और पेन होने की जो पॉसिबिलिटी है वह कम की साइड में रहेगी। कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देने से भी ब्रेस्ट का पेन थोड़ा कम हो जाता है। सोडियम का इंटेक, नमक का इंटेक थोड़ा कम की साइड में रखना चाहिए। तो ये वह कुछ नॉर्मल सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपने डाइट में, अपने डेली रूटीन में अगर करें तो ब्रेस्ट पेन का जो होने का इंसिडेंस है वह डेफिनेटली थोड़ा कम हो सकता है। ब्रेस्ट पेन यूजुअली नॉन कंसिस्टेंस होता है, पर फिर भी अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं, सब्सक्राइब कर सकती हैं। धन्यवाद।